हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हम हैं जनसेवा केंद्र पर आए हुए और आप लोग को पता ही होगा कि अभी जो है नया में जिनका ई श्रम कार्ड बना है और उनके मोबाइल पे जो है मैसेज आ रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बना भी नहीं है वो भी लोग घबरा रहे हैं, और जिनका बना है कुछ लोग का पैसा भी आ गया है, कुछ लोग का नहीं भी आया है, सभी लोग चिंतित हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता करने वाली ये बात है कि सभी के मोबाइल पर एक मैसेज आया हुआ है। उस मैसेज पे लिखा हुआ है कि वर्तमान पता अपडेट करें, और ये काफ़ी लोग परेशान हैं कि आखिर में ई श्रम कार्ड की तरफ से यह मैसेज कैसे आया है और हमको अब करना क्या होगा। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं। अभी जैसे मैं यहाँ पे जनसेवा केंद्र पर आया तो यहाँ पे भी बहुत से लोग आए कि आखिर में हमारे पे ये मैसेज आया है, इसका क्या मतलब है। तो उसका मतलब मैं बता देता हूँ, ये सभी को करवाना जरूरी नहीं है। ये मैसेज उन्हीं को अपडेट करवाना होगा जिनको जो है एक जगह काम कर रहे हैं, जो लोग वो वहाँ से काम छोड़कर दूसरे जगह अगर काम करने चले गए हैं। यानी कि अगर आप बॉम्बे में काम कर रहे हैं और वर्तमान में इस समय अब जो है दिल्ली में चले गए हैं काम करने के लिए, तो आपको एड्रेस चेंज करने की ज़रूरत है। या फिर आप जो है दिल्ली में काम कर रहे हैं, आप फिर यूपी में आ गए हैं, तो आपको वर्तमान एड्रेस चेंज करने की ज़रूरत है। या फिर आप कहीं भी किसी भी ज़िले में आप हैं और आप वर्तमान में दूसरे ज़िले में काम करने लगे हैं, तो आपको जो है एड्रेस चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्तमान पता से आप पता चलेगा आपको कि आप किस जगह पे जो है काम कर रहे हैं। इस श्रम कार्ड में यही करना है, और यही मैसेज सभी के मोबाइल पे आ रहा है। मैसेज भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैसेज में क्या लिखा हुआ है। आपका वर्तमान एड्रेस चेंज हुआ है, आप एक जगह से दूसरे जगह आप रह रहे हैं, तब आपको जो है वर्तमान पता चेंज करने की ज़रूरत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे भी जो है कई लोग आए यहाँ पे चेंज करवाए कि नहीं हमारा वर्तमान एड्रेस चेंज कर दीजिए, तो यहाँ उसमें कुछ नहीं है, अगर आपका वर्तमान पता चेंज है तभी बदलवाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।